फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीटीज किचन। आज मैं आपके साथ पनीर काठी रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। पनीर काठी रोल बनाने के लिए हम ये ऐसे एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक कप दही डाल देंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, हाफ लेमन जूस, एक चम्मच भुने जीरे का पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, आधे चम्मच चाट मसाला, अ पिंच ऑफ हल्दी, नमक स्वादानुसार, दो चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ये पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। इसे मैंने ऐसे थोड़ा सा चौकोर और लंबाई में कट कर लिया है। इसे मिक्स कर देंगे इसके साथ में। अब हम इसे 30 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने। चलिए, मैरिनेशन को 30 मिनट हो गए हैं रखे हुए। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस जला लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच तेल। यहां मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है और अब ये इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे फुल गैस पे चला लेंगे और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। जब ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाए तो इसमें डाल दें थोड़ा सा धनिया पत्ती। थोड़ी सी कसूरी मेथी। मिक्सचर हमारा एकदम ड्राई हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। चलिए, अब हम काठी रोल बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऐसे सिंपल ये दो पराठे लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मेथी या पालक का पराठा भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप मैदा की रोटी प्रेफर करते हैं तो आप यहाँ मैदा की रोटी भी ले सकते हैं। चलिए, अब इस पर है ये ग्रीन चटनी अप्लाई कर देंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं पनीर टिक्का वाले वीडियो में दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छे से पूरे में चटनी को स्प्रेड कर लेंगे और अब इसके ऊपर ये मिक्सचर रख देंगे पनीर वाला। ये इतना यम्मी लग रहा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसे अभी खा लूं। इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसे प्याज रख देंगे। अब इसे ऐसे रोल कर देंगे। एक सिल्वर फॉइल ले लेंगे और इसको इसके बीचों बीच रख देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए कितना यम्मी और टेम्प्टिंग है ये। चलिए, अब हम दूसरा रोल भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी सुपर यम्मी पनीर काठी रोल रेडी है। आ रहा है ना मुंह में पानी, लग रहा है ना डिलीशियस सा। तो चलिए फिर आप भी बनाकर ट्राई करें इसे जल्दी से। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।